तो अंजलि जब शानी को किस करती है, शानी बस शॉक हो जाती है। शी इज थॉट, ओ माय गॉड इज दैट रियल। अंजलि ने उसे किस की, ओ शिट। इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट शानी की लाइफ में कभी भी नहीं आई थी। शानी इतनी एम्बैरेस थी कि उस पत्थर को भीट पर रखे जल्दी से उस रूम की डोर ओपन करके बाहर निकल जाती है। एंड इधर आरुषि को दिखाई जाती है, वो बेड पर लेटे अपनी दोनों आंखें बंद करके रखी थी। इशिता जब अंदर आकर डोर को लॉक कर दे दिए तो आरुषि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। इशिता आकर उसके माथे को रब करते हुए कहती है, आरुषि आर यू ओके। आरुषि थोड़ी उठकर बेड की साइड पे अपनी बैक को सपोर्ट करते हुए कहती है, या आई एम फाइन। इशिता रियलाइज करती है कि आरुषि फाइन तो बोल रही है पर वो कहीं से भी फाइन नहीं दिख रही थी। इशिता जल्दी से उसे हक करते हुए कहती है, आरुषि आई रियली मिस यू। आरुषि भी अपने दोनों हाथों से इशिता को ग्रैब करते हुए थोड़ी शेकी वॉइस में कहती है, आई मिस यू टू। इशिता उसकी ओर देख के उसके लिप पे एक किस करते हुए कहती है, आई एम जस्ट हैप्पी कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना आरुषि, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। आरुषि स्माइल करते हुए धीरे से कहती है, आई नो आप क्या करते। इशिता कहती है, मतलब? आरुषि कहती है, शानी और अंजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आपने मुझे ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने जब मुझे उस वॉल से निकाला, मेरी होश नहीं थी पर मुझे सब कुछ याद है। कार में जब वो पर्सन मुझे गोली मारने के लिए अपनी कार की कांच नीचे कर रहा था तो आपने मुझे अपने दोनों हाथों से ग्रैब करके रखी थी। वो गोली मुझे छोड़कर आपको भी लग सकती थी। आरुषि जैसे ही ये बात कहती है, इशिता सडनली अपने राइट हैंड की एक फिंगर को ले जाकर आरुषि के लिप पे टच करती है। फिर धीरे से कहती है, अब इस बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर इशिता कहती है, वैसे आरुषि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी पर क्या तुम्हें याद है वो पर्सन कौन था। आरुषि कुछ सोचने के लिए अपने आंखें बंद करती है पर कुछ सेकंड बाद इशिता रियलाइज़ करती है कि उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। तो इशिता जल्दी से उसे होल्ड करते हुए उसे सुला देती है। फिर थोड़ी लाउडली कहती है, आरुषि आरुषि लिसन, मेरी ओर देखो, कोई फोर्स नहीं है, तुम अपने दिमाग में इतने जोर मत डालो, वैसे भी मैं उसे ढूंढ लूँगी। इशिता अपने मन में सोचती है वो दूसरों के केस पर किलर को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देती है और इस बार तो वो चीज़ उसकी पर्सनल है, बहुत ज़्यादा ही पर्सनल। आरुषि धीरे धीरे इशिता के पास आकर कहती है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो पर मैंने नोटिस की कि कार में जब मुझे गोली लगी थी तो आप बहुत ज़्यादा डर गए थे। कार से लेकर हॉस्पिटल तक आपने मुझे होल्ड करके रखी थी और आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, तो क्या मैं जान सकती हूँ ये क्या है। आरुषि जब ये बात बोल रही थी तो वो इशिता की बहुत क्लोज थी, वो स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए ये बात बोल रही थी। बट इशिता कुछ सेकंड बाद अपने हेड को राइट साइड पे घुमाते हुए कहती है, तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो मैं भी वही करती, कॉज ये मेरी ड्यूटी थी। आरुषि जितनी ज़्यादा स्माइल कर रही थी वो उतनी ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इशिता ये बोलने के बाद डोर को ओपन करके बाहर चली जाती है। इधर आरुषि बस शॉक में थी, इशिता ने क्या बोला, मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो वही करती, ये उनकी ड्यूटी थी, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, क्या हो क्या गया है उन्हें, उन्होंने ऐसी बातें क्यों की। अगले सीन में डिनर की टेबल दिखा जाती है। इशिता आरुषि के लिए एक प्लेट सजा कर शानी से कहती है, शानी इसे ऊपर आरुषि के पास देकर आओ। शानी स्माइल करते हुए थोड़ी लाउडली कहती है, क्यों मैं क्यों देकर आऊँगी, आप जाओ ना, आप तो उनकी गार्जियन हो। ये बात कहते ही सडनली शानी और इशिता शानी की मॉम की ओर देखते हैं। नो, शानी की मॉम इस चीज़ को नोटिस नहीं की, वो बस डिनर को रेडी करने में ही बिजी थी। इशिता को थोड़ी गुस्सा आ जाती है, शानी को बिल्कुल पता नहीं कि कौन सी सिचुएशन में कहाँ और क्या बात करना चाहिए। इशिता को गुस्सा होते देखकर शानी चुपचाप उस प्लेट को लेकर ऊपर आरुषि के रूम में चली जाती है, पीछे अंजलि भी उसके साथ जाती है। शानी डिनर की प्लेट को उस रूम की एक टेबल पर रखकर जल्दी से डोर को लॉक करके सीधा बेड में उठकर आरुषि के पास जाकर बैठती है। अंजलि जब नोटिस करती है कि शानी उसकी देखी कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी तो वो बहुत ही जलसी फील करती है। वो शानी की ओर देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, वो दी मेरी है, तुम उनके पास ऐसे नहीं बैठ सकते, वो जगह मेरी है। शानी भी स्माइल करते हुए अंजलि की जेलसी को और भी बढ़ाने के लिए कहती है, एक्सक्यूज मी, वो तो बस सबकी दी है, मेरे दी है साथ में और भी कुछ है, होने वाली है। आरुषि जल्दी से दोनों को रोकने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहती है, गाइस स्टॉप, ऐसे बच्चों की तरह लड़ो मत, क्या हुआ है। शायनी थोड़ी सैड वॉइस में कहती है, इशिता दी बहुत ही गुस्से में लग रही थी, मैंने जब कहा कि ये प्लेट आपको देकर आने के लिए तो वो बहुत गुस्सा हो गई, क्या आप दोनों के बीच फाइट हुआ है। अंजलि कहती है, बट इस सिचुएशन में फाइट, हाउ इट पॉसिबल। आरुषि कहती है, नो फाइट नहीं हुआ है, मैं भी कन्फ्यूज हूँ। फिर वो शानी और अंजलि को इशिता की वो बातें बता देती है। शानी और अंजलि ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। शानी कहती है, नो नो नो, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपकी जगह मेरे दी के दिल पर है, आपके साथ वो दूसरों की कंपेयर नहीं कर पाएगी, हम लोग बुद्धू है क्या, हमें नहीं दिखता इशिता दी आपको ढूंढने के लिए क्या क्या कर रही थी। अंजलि कहती है, पर कुछ तो हुआ है, नहीं तो वो ऐसे बात क्यों करेगी। आरुषि कहती है, वही तो, वही चीज़ हमें ढूंढना होगा।
अगले सीन में सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चली जाती है। शायनी अपने रूम में जाके डोर को लॉक करती है, तभी कोई पीछे से स्माइल करते हुए कहती है, वैसे तुम एम्बेरेस थी या फिर मैं दी के सामने दिखावा कर रहे थे? शायनी शॉक्ड हो जाती है, वो जल्दी से पीछे टर्न करती है। शायनी के रूम पर बेड पे ऑलरेडी अंजलि पहले से ही बैठी हुई थी। अंजलि को अपने रूम में अगेन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो शेकी वॉइस में कहती है, आप यहाँ पर? अंजलि बेड से उठकर धीरे धीरे शायनी के पास जाती है। अंजलि को ऐसे आता देखकर शायनी जल्दी से पीछे जाती है, पर पीछे जाने की तो कोई जगह ही नहीं थी, कॉज डोर तो ऑलरेडी लॉक हुआ है। शायनी जब डोर में एकदम घुस जाती है तो अंजलि आकर अपने दोनों हाथों को उस डोर में सपोर्ट करती है और उसके साथ एक आई कॉन्टेक्ट करते हुए कहती है, जब मैंने तुम्हारी गालों पर किस की तो तुम एम्बेरेस्ड होकर घर से चले क्यों गए? एंड राइट नाउ मुझे देखकर इतनी डर क्यों रहे हो? एंड व्हाई यू फील शाय? मैं तो बस तुम्हारी कॉलेज की एक सीनियर हूँ, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शायनी जल्दी से शेकी वॉइस में कहती है, हाँ है ना? अंजलि कहती है, क्या? पर शायनी जल्दी से अंजलि की गालों में एक किस करते हुए कहती है, आई लाइक यू एंड मैं आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ। अंजलि शॉक नहीं होती है, वो स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथों को ग्रैब करते हुए कहती है, वेल लिटिल वन, लाइक करना ही रिलेशनशिप में काफ़ी नहीं होता है, एक रिलेशनशिप में बहुत कुछ होते हैं जो तुम्हें नहीं पता, कॉज तुम छोटे हो। शायनी कहती है, मुझे सब पता है। अंजलि अगेन अपने दोनों हाथों को उसके पीछे डोर में सपोर्ट करते हुए कहती है, अच्छा क्या पता है तुम्हें? शायनी बहुत फास्ट थोड़ी ऊपर उठकर अंजलि की लिप पे किस करती है। वो जितनी फास्ट जाके उसके लिप पर किस करती है उतने ही फास्ट वो पीछे आती है। अंजलि को किस करने के बाद शायनी की फेस बहुत चेंज हो गई थी, बट अंजलि वैसे ही अपने हाथ को सपोर्ट करते हुए स्माइल कर रही थी। वो अपनी लिप को प्रेस करके शायनी की लिप की ओर देखते हुए कहती है, बस इतना ही? शायनी इनोसेंट फेस में सीलिंग की ओर देखते हुए कुछ सोच रही थी, बट अंजलि बहुत फास्ट अपने लेफ्ट हैंड से शायनी के हेड को पीछे से होल्ड करती है और अपने राइट हैंड से उसकी गालों को थोड़ी सी प्रेस करके शायनी को प्रॉपरली लिप किस करती है। कुछ टाइम बाद अंजलि जब शायनी को किस करके पीछे आती है तो वो नोटिस करती है शायनी एकदम शॉक्ड होकर स्टैचू बन के खड़ी थी, तो वो अपने राइट हैंड के एक फिंगर को ले जाकर शायनी के लिप पे टच करती है और अपने लिप को लिख करते हुए एक स्माइल करते हुए कहती है, एंड दैट इज रिलेशनशिप किस। ये कहते ही वो अपनी राइट हैंड से उसकी दोनों गालों को प्रेस करती है। एट दैट टाइम डोर पे कोई नॉक करता है। शायनी की हालत तो थी ही नहीं कि वो जाके डोर को ओपन करेगी, तो अंजलि ही जाके डोर को ओपन करती है। अंजलि जब डोर को ओपन करती है तो सामने इशिता थी। इशिता अंजलि को शायनी के रूम में देखकर थोड़ी शॉक होती है। वो अंजलि से कहती है, तुम शायनी के रूम पर? अंजलि बहुत ही स्मार्टली कहती है, एक्चुअली कल कॉलेज जाने के बारे में हम दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। इशिता शायनी की ओर देखते हुए कहती है, ओके एक्चुअली मैं कुछ चीज़ लेने के लिए आई थी। इशिता अपनी उस चीज़ को लेकर शायनी की ओर देखते हुए कहती है, शायनी तुम इतने शॉक में क्यों खड़े हो? अंजलि जल्दी से शायनी के पास जाके उसके हाथ का होल्ड करते हुए कहती है, एक्चुअली वो ना वॉल पर एक चिपकली देखी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। इशिता एक स्माइल करते हुए अंजलि के पास जाती है और कहती है, मेरी सिस्टर शायनी तुम्हें तंग तो नहीं कर रही है? अंजलि एक स्माइल करते हुए शायनी की ओर देखते हुए कहती है, नो शी इज़ रियली क्यूट, वो मुझे क्या तंग करेगी। इशिता चले जाने के बाद इस बार अंजलि जाकर डोर को लॉक कर देती है। वो पीछे टर्न करके शायनी की ओर देखते हुए अपने लिप को प्रेस करती है। शायनी भी ब्लशिंग करते हुए अपने हेड को नीचे करती है। फिर अंजलि थोड़ी सीरियस होकर अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके विंडो की ओर जाती है। फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दी और मेरी दी के बीच कोई रिलेशनशिप है। शायनी कहती है, पर क्यों? अंजलि कहती है, क्या उन दोनों ने अपने लव को कन्फेस की या फिर उन दोनों के बीच ऐसी कोई चीज़ें तुमने देखी जो रिलेशनशिप में होती है? शायनी के पास कोई आंसर नहीं थी। अंजलि कहती है, देखो शायनी लाइक करने में और लव करने में बहुत डिफरेंस होती है। मेरी दी तुम्हारी दी को लव करती है ये मैं जानती हूँ, मुझे बहुत पहले से ही पता थी, बस उन्होंने आकर ये मुझे बताया था। उस दिन मैंने सोचा कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी पर है, कॉज डिटेक्टिव इशिता बहुत ही प्राइवेटली रहती है, वो ऐसे ही किसी को लिफ्ट देना या फिर अपने घर में ले जाना ये नहीं करती है। और जब मेरी दी आकर मुझे वो सारी बात बताया तो मुझे लगा कि वो किसी और को डिटेक्टिव इशिता सोच रही थी, पर मैंने जब उनके फ़ोन में तुम्हारी दी की फ़ोटो देखी तो मुझे ट्रस्ट हुआ। पर क्या तुम्हारी दी मेरी दी को लव करती भी है? शायनी अंजलि के पास आकर कहती है, ऑफ कोर्स अगर वो आपकी दी को लाइक नहीं करती तो उन्हें ढूंढने के लिए इतनी हद तक तो नहीं जाती। अंजलि कहती है, मे भी, पर मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी। शायनी विंडो की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को ग्रैब करते हुए कहती है, मेरे पास एक प्लान है। अंजलि उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या प्लान? शायनी स्माइल करते हुए कहती है, वो तो आप मुझ पर छोड़ दो। अंजलि उसकी दोनों शोल्डर को होल्ड करके शायनी को उसकी ओर घुमाती है और एक स्माइल करते हुए कहती है, तुम ये सारे चीज़ों में माहिर हो पर रिलेशनशिप पर नहीं। शायनी अपने लिप को प्रेस करते हुए ब्लशिंग करती है।
अगले दिन शिफ्ट होती है इवनिंग पर, जहाँ पे डिटेक्टिव इशिता के हाउस पर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में सब लोग बहुत हैप्पी थी, हाथ में एक वाइन की ग्लास लेकर एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। आरुषि की तबीयत ठीक थी, इसलिए वो नीचे आकर पार्टी को ज्वाइन करती है। अंजलि हाथ में एक वाइन की ग्लास लेकर शानी से कहती है, वेल पार्टी तो स्टार्ट हो गई, तुम्हारी प्लान क्या है? शानी स्माइल करते हुए कहती है, वो तो सीक्रेट है, जब होगा सबके सामने होगा। एट दैट टाइम डॉक्टर शानी की कार आती है। इशिता जल्दी से उनके पास जाती है वेलकम करने के लिए। डॉक्टर शानी की कार की राइट साइड से वो खुद बाहर आती है और लेफ्ट साइड से पीहू बाहर आती है। डॉक्टर शानी स्माइल करते हुए इशिता के पास आती है और कहती है, वेल मीट माई गर्लफ्रेंड पीहू। पीहू भी स्माइल करते हुए उनके सामने आती है। इशिता बहुत स्माइल करते हुए कहती है, मोस्ट वेलकम पीहू एंड डॉक्टर शानी प्लीज कम। इशिता पार्टी में सबको डॉक्टर शानी और पीहू की इंट्रो करवाती है। फिर शानी आकर पीहू को अंजलि एंड आरुषि के पास लेके जाती है। तो इशिता डॉक्टर शानी के साथ कुछ बात करने के लिए उनके साथ ऊपर चली जाती है। अगले सीन में आरुषि की फ्रेंड्स के साथ साथ समीर भी उस पार्टी में आता है। आरुषि की फ्रेंड्स आकर उसे हक करती है, साथ में समीर भी। समीर को देखकर अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, समीर ये तो मेरे दी की एक्स बॉयफ्रेंड है, ये यहाँ पे क्यों आया है? समीर को इस पार्टी में कौन बुलाया है? शानी एक स्माइल करते हुए कहती है, मैंने बुलाया है। अंजलि बहुत गुस्से में कहती है, क्यों? शानी कहती है, आप देखते जाओ बस। इधर समीर आरुषि की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत हैप्पी थी, तो वो लोग ड्रिंक करती है और आरुषि को कहती है कि थोड़ी सी ड्रिंक पीने के लिए। तो उसकी फ्रेंड्स की बहुत बोलने पर आरुषि थोड़ी सी ड्रिंक करती है, पर समीर एक और वाइन की ग्लास ले आकर आरुषि के सामने रखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, आरुषि तुमने अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर ड्रिंक की, तो तुम्हें ये ग्लास भी पीना होगा मेरे रिक्वेस्ट पर। आरुषि स्माइल करते हुए कहती है, नो समीर मेरी तबीयत उतनी भी अच्छी नहीं है, मैंने अभी अभी ड्रिंक की, अब एक और ग्लास नो। अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। वो धीरे धीरे कहती है, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरी दी बोल रही है ना कि वो नहीं पिएगी, फिर भी देखो उसे कैसे फोर्स कर रहा है। समीर उस ग्लास को आरुषि की और भी पास देते हुए कहता है, अरे वो तो बहुत कम थी, प्लीज़ ये ग्लास मेरे लिए। आरुषि बार बार इनकार कर रही थी, पर समीर फोर्सफुली आरुषि को वो ड्रिंक पिला रहा था। एट दैट टाइम साइड से इशिता आती है। वो बहुत फास्ट उस ड्रिंक की ग्लास को लेकर ज़मीन पर बहुत ज़ोर से फेंक देती है। उस ग्लास की टूटने की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि पार्टी में सारे लोग इशिता की ओर देखते हैं। इशिता उस ग्लास को फेंक कर समीर की क्लॉथ को टाइटली होल्ड करती है और आरुषि के पास से उसे खींच कर साइड में ले आती है और बहुत ही लाउडली कहती है, जब आरुषि बोल रही है कि उसे ड्रिंक नहीं पीना, तो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे फोर्स करके पिलाने का? समीर भी लाउडली कहता है, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इशिता बहुत गुस्से में कहती है, तू उसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, तू उसे फोर्स कर रहा था। आरुषि आकर इशिता को पीछे से होल्ड करती है और धीरे धीरे कहती है, इशिता प्लीज़ वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा था, वो बस मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था पीने के लिए। इशिता उसकी ओर टर्न करके बहुत ही गुस्से में कहती है, तो मतलब मैंने जो देखा वो गलत था, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी पार्टी में इसे इन्वाइट कौन किया? समीर भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं बिना बुलाए कहीं पर नहीं जाता, इस पार्टी में मुझे भी इन्वाइट किया गया है। इशिता बहुत ही गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें इस पार्टी में कौन इन्वाइट किया कौन नहीं किया आई डोंट केयर, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। आरुषि इशिता की हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, इशिता प्लीज़ आप ऐसे पार्टी में सबके सामने सीन क्रिएट मत करो। इशिता को आरुषि की इस बात से आरुषि के ऊपर थोड़ी गुस्सा आ जाती है। वो समीर की क्लॉथ को छोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। फिर वो आरुषि की ओर टर्न करके कहती है, क्या तुमने क्या कहा आरुषि? मैं सबके सामने सीन क्रिएट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वरीड भी नहीं हो सकती, वो तुम्हारे लिए सीन क्रिएट हो जाती है। फिर इशिता थोड़ी सेकंड के लिए चुप हो जाती है और एक बार समीर की ओर और एक बार आरुषि की ओर बहुत गुस्से में देखती है। फिर आरुषि की ओर गुस्से में देखते हुए कहती है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम चलो मेरे साथ। ये कहते ही वो आरुषि की हाथ को टाइटली होल्ड करके बहुत स्पीड से वहाँ से उसे लेके जाने वाली थी, बट सडनली उसे रियलाइज होती है कि आरुषि की वेस्ट पर पेन है, इसीलिए वो पूरी पार्टी में सबके सामने ही आरुषि को गोदी में उठाती है। आरुषि बहुत शॉक्ड हो जाती है, साथ में बहुत एम्बैरस भी। वो इशिता को रोकने के लिए कहती है, इशिता आप सबके सामने क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। इशिता बहुत ही गुस्से में कहती है, आरुषि शट अप और चलो मेरे साथ। इशिता जब आरुषि को लेकर जा रही थी तो समीर उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाता है, बट बीच में आ जाती है शानी। वो अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को दिखाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप भूल चुके हो? डॉक्टर आरुषि ऑफिशियली एंड पर्सनली डिटेक्टिव इशिता की है, तो वो उनके साथ कुछ भी कर सकती है, अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश की ना तो आप यहाँ से सीधा जेल जाओगे। समीर बहुत गुस्से में शानी के पास जाता है, तभी अंजलि पीछे से आकर शानी को ग्रैब करती है और समीर को अपनी राइट हैंड से रोककर कहती है, बस बस डॉक्टर समीर कंट्रोल योरसेल्फ, पूरी पार्टी के सामने आपकी बहुत इंसल्ट हो चुकी है, आई होप कि इतने इंसल्ट काफ़ी है आपके लिए, और अगर आप नहीं चाहते हो कि और भी इंसल्ट हो सो प्लीज़ जाओ यहाँ से। इधर इशिता को दिखा जाती है, इशिता आरुषि को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है। आरुषि रिक्वेस्ट वॉइस में कहती है, इशिता आप क्या करके रहे हो, छोड़ो मुझे आप नीचे उतारो। इशिता आपको सुनाई नहीं दे रही है, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो।
ये कहते ही आरुषि इशिता की गोदी से नीचे जाने की कोशिश करती है, पर इशिता उसे और भी टाइटली ग्रैप करते हुए कहती है, आरुषि अपने मुंह बंद रखो एंड जस्ट स्टॉप। इशिता आरुषि को लेकर अपने रूम में चली आती है, फिर उसे बेड पर रखकर उसके दोनों हाथों को होल्ड करते हुए कहती है, तुमने क्या कहा? मैं पार्टी में सीन क्रिएट कर रही थी, मतलब मैं तुम्हारे लिए वाइट भी नहीं हो सकती, वो तुम्हारे लिए सीन क्रिएट थी। और वो समीर तुम्हारा एक्स वाई जेड वो क्या कर रहा था? हाँ, वो तुम्हें फोर्सफुली ड्रिंक पिला रहा था। वो तो एक डॉक्टर है ना, उसे पता नहीं कि इस हालत में ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो ना, जब समीर तुम्हारे पास आता है तो मैं बहुत जेलसी फील करती हूँ। ये कहते ही वो आरुषि की दोनों हाथों को होल्ड करते हुए बेड पर पुश कर रही थी। आरुषि उसकी दोनों हाथों से इशिता की शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आरुषि राइट नाउ उतनी स्ट्रांग नहीं है कि इशिता को रोक पाएगी, और इशिता नॉर्मल से ज़्यादा नाउ बहुत गुस्से में है, तो उसे रोकना इम्पॉसिबल थी। इशिता जब उसकी दोनों हाथों को होल्ड करके बेड में थोड़ी पुश करती है तो आरुषि उतने में ही बेड पर गिर जाती है। इशिता उसके दोनों हाथों को ग्रैब करके बेड पर प्रेस करती है। इशिता बहुत गुस्से में कहती है, समीर जब तुम्हें टच करती है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, वो तुम्हें फोर्स कर रहा था और मैंने जब कहा तो वो तुम्हारे लिए सीन क्रिएट हो गई। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना आरुषि कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देखूंगी, एंड यू नो वेरी वेल आरुषि कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें मेरे अलावा समीर या फिर कोई और टच करे, बिकॉज यू आर ओनली माइन आरुषि, यू आर ओनली माइन। ये कहते ही इशिता आरुषि की दोनों हाथों को बेड पर और भी टाइटली प्रेस करती है, फिर बहुत फास्ट उसके पास जाकर उसे फोर्सफुली लिप किस करती है। आरुषि जब रियलाइज करती है कि इशिता अभी बहुत गुस्से में है, उन्हें रोकना इम्पॉसिबल है, तो वो भी उन्हें रोकने की ट्राई छोड़ देती है। इशिता जब उसे फोर्सफुली किस कर रही थी तो आरुषि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती है, बिकॉज इशिता उसकी दोनों हाथों को होल्ड करते हुए उसे प्रॉपरली ग्रैप करके रखी थी। इशिता इतनी ज़्यादा गुस्से में और जेलसी पर थी कि वो आरुषि के साथ क्या कर रही है उसे होश भी नहीं थी। इशिता उसे गुस्से में किस करते हुए उसके लिप पर बहुत सारे बाइट भी करती है। आरुषि की लाइफ में ये फीलिंग्स फर्स्ट टाइम थी, वो जिसे लव करती है वही पर्सन जेलसी में आकर उसे फोर्सफुली किस कर रही है, उसे बाइट कर रही है, ये उसके लिए बहुत ही अजीब फीलिंग्स थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है। उसकी राइट साइड की आंखों से आंसू आ जाती है, नो ऐसा नहीं कि वो रो रही है, पर इशिता की इस अजीब सी टच से आरुषि की बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। बहुत टाइम बाद जब वो आरुषि को फोर्सफुली किस करके उसकी गुस्सा उसकी जेलसी सब कुछ शांत हो जाती है, तो वो धीरे धीरे पीछे आकर आरुषि की ओर देखती है। आरुषि इशिता को देखकर थोड़ी डर जाती है, क्योंकि वो इससे पहले इशिता की फेस ऐसे नहीं देखी थी। इशिता की फेस बहुत गुस्से में और बहुत जलसी में एकदम रेड हो चुकी थी। इशिता जब आरुषि को देखती है तो उन दोनों में एक आई कॉन्टेक्ट होती है। कुछ सेकंड के लिए उस रूम में सब कुछ एकदम साइलेंस थी, बस दोनों की हार्ट बीट और दोनों की ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी। कुछ टाइम बाद आरुषि इशिता की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहती है, क्यों समीर जब मेरे पास होती है वो जब मुझे टच करता है तो आपको इतनी जलसी क्यों फील होती है? मैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, दूसरों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। ये सारी बातें बोलते हुए आरुषि की वॉइस शेक करती है, इस बार वो सच में इमोशनल होकर रो पड़ती है। आरुषि अगेन शेकी वॉइस में कहती है, मुझे बचाना आपके पास एक ड्यूटी थी इशिता, यू डोंट लव मी। आरुषि की इस बात से इशिता अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो अपनी राइट हैंड से बेड पर बहुत जोर से पंच करती है और बहुत ही लाउडली कहती है, गॉड डैम इट, आई लव यू आरुषि। फिर वो जैसे ही आरुषि की ओर देखती है इशिता थोड़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि आरुषि धीरे धीरे अपने लिप को प्रेस करते हुए स्माइल कर रही थी। इशिता की इस बात से आरुषि बहुत लाउडली स्माइल करती है और कहती है, थैंक गॉड कि आपने मान लिया दैट यू लव मी। फिर अपने दोनों हाथों को छुड़ा कर उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, हटो अब मेरे ऊपर से, मुझे पेन हो रही थी। आरुषि की इस बिहेवियर से इशिता बहुत शॉक्ड होती है। तभी रूम के अंदर अंजलि एंड शाइनी आती है। इशिता उन दोनों को देखकर जल्दी से बेड के नीचे फ्लोर में जाती है और आरुषि भी उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी शाइनी स्माइल करते हुए अंजलि से कहती है, सी देखा मैंने कहा ना, मेरे दी आपके दी को लाइक करता है एंड लव भी करता है। इशिता उन दोनों को देखकर थोड़ी सरप्राइज होकर कहती है, जस्ट अमीर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये आपस में क्या बोल रहे हो, लव करती है लाइक करती है? हाँ, अंजलि फास्ट कहती है, इशिता दी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ शाइनी ने की। फिर उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहती है, ये सब कुछ उसकी प्लान थी, आपको जलसी फुल करवाना और मेरी दी के सामने आपकी लव को कन्फेस करना। शायनी अच्छे से जानती थी कि समीर को देखकर अब बहुत रिएक्ट करोगे। शायनी आरुषि की ओर देखते हुए कहती है, पर इतना रिएक्ट करोगे मुझे नहीं पता था। इशिता आरुषि की ओर देखती है, आरुषि एक नॉटी स्माइल देते हुए अपने नेल को बाइट कर रही थी। इशिता एक बार शायनी की ओर देखते हुए कहती है, शायनी रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पर शायनी वहाँ रुकेगी तब ना वो बहुत फास्ट रूम से भाग जाती है। And there's a video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give a like and subscribe to the channel. See you soon in the next video. Love you guys. Take care. And